وأصحابه وأهل بيته وأهل بيته وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محبت سے پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين سكوا سرے سونے میٹھے مدنی دے تے سارے حال تے کرم ہزار تھی سن ابو بکر عمر عثمان و علی سارے حامی چارے یار تھی سن او جدا نفسا نفسی دا عالم ہو سی اونو جلبا کر سرکار تھی سیاں او جیندے تابش سہرے پڑھتے ہیں اون دے ہاتھ اٹھ سیاں بیڑے پار تھی سیاں او جیندا امتی ہیں تیڈا حق پڑھتے او سائیں دی شان مطابق اون دی یاد منا وہی میں یاد منا تیدا ملک ہوئے بے شک دو سال دے بعد منا سادے نال منا تیدی مرضی ہے یا آج تھی کہ آزاد منا منصور نہ من کہیں ملا دی جے مومن ہیں تمیلات منا قسم خدا دی صدا ایمانے ہر زمانہ حضور دائے قسم خدا دی صدا حضور اکرم فقط ایک سہارے او ساری زندگی گزر دی پئیے میں جو بھی کھانا حضور داہے میں جو بھی پینا حضور داہے امیرانا غریب نالے عجب یرانا حضور داہے اللہ کے حمد و ثنا کے بعد سنے پاک نبی کے درودوں کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیارے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں
दुआ फरमाए अल्लाह ताला आज की सोनी महफिल को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। दूर नजदीक से जो भी मौजी शख्सियत तशरीफ लाए हैं अल्लाह सोना कदम कदम पर बेशुमार नेकियां रहमतें और बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस दरगाह पर पहली हाजिरी है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जो जलवा फरोज हैं हजरत किबला आशिक रसूल मुजाहिद सुन्नत जनाब किबला सूफी मोहम्मद शफीउल्लाह साहेब दामत बरकात मुलालिया आप हजरात से की ज्यारत भी कर रहे हैं और मैं दिल की खराइयों से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके इल्म उम्र में मजीद बरकतें अता फरमाए। अल्लाह करीम इस मजार पर करोड़ा करोड़ा रहमत अता फरमाए। अज़ीज़ाने गिरामी मेरे पाक नबी के मिलाद की महफिल है, मुख्तसर मैं अपनी हाजिरी पेश करने लगा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने मेरे और आपके सोने पाक नबी को पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। 1,24,000 कमोपेश नबी दुनिया कायनात में आए हैं लेकिन हजरत आदम अली सलातो सलाम आए अल्लाह की रहमत लेकर आए, हजरत नूह अली सलाम आए अल्लाह की रहमत लेकर आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए अल्लाह की रहमत लेकर आए, मूसा कलीमुल्लाह आए अल्लाह की रहमत लेकर आए, ईसा रूहुल्लाह आए अल्लाह की रहमत लेकर आए, लेकिन जब बारी आई मेरे और तेरे सोने नबी की, जब बारी आई उम्मत के गमखार नबी की, जब मेरे और तेरे सोने नबी की बारी आई अल्लाह ताला ने मेरे और तेरे नबी को सरापाए रहमत बनाकर भेजा है, सरापाए रहमत बनाकर भेजा है। हजूर का दुनिया में आना रहमत, हजूर का अपने ऊपर भी ये रहमत है। अब सुनिए जरा मेरे नबी के गुलामों, मैं ये अक्सर जुमला कहा करता हूँ कि 1,24,000 नबियों का मकाम एक तरफ है, आमना के लाल की काली सुल्फ के एक बाल का मकाम एक तरफ है। अब सुनिए मेरे और तेरे सोने नबी का क्या मकाम है। मेरे पाक नबी के आने से हमें क्या कुछ नहीं मिला, इज्जत मिली है, मकाम मिला है, रमजान मिला है, ईमान मिला है, कुरान मिला है, सब कुछ मेरे नबी का सदका है। आज हमें छोटे बड़ों का जो पता चला है मेरे पाक नबी के आने से पता चला है, बाप की कदर क्या है सोने नबी के आने से पता चला है, माँ की इज्जत कैसे करनी है पाक नबी के आने से पता चला है। यूं तो नहीं है हजूर ने खुद फिर अपनी माँ का अदब करके दिखाया, माँ की तासीम करके दिखाया। लोगों ख्याल करना जैसे मैं नबी माँ की खिदमत कर रहा हूँ, माँ की इज्जत कर रहा हूँ, इस तरह तुमने भी अपने माओ की इज्जत करना है, माओ की खिदमत करना है, बाप की कदर यूं करना है, बड़ों का अदब यूं करना है, क्योंकि नबी की सारी लकद कामला कुंफी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। मेरे पाक नबी की पूरी जिंदगी हमारे लिए ये नमूना हयात है। अब सुनो जरा मेरे नबी के गुलामों, यूं नहीं है मेरे पाक नबी जब दुनिया कायनात में तशरीफ लेकर आते हैं, अब हजूर के आने से ये सारा कुछ जो मिला है नबी का सदका हमें मिला है। अब सुनिए मेरे पाक नबी का दरबार लगा हुआ है, अब ये आपका यहाँ पर आना महफिल के अंदर बैठना कोई आम बात नहीं है, अब ये आपका बैठना बड़ी कीमती बात है। सुनो जरा मेरे पाक नबी का दरबार लगा हुआ है, हजूर के गुलाम मौजूद बैठे हैं। मैं कहता हूँ वो दरबार भी कैसा दरबार होगा, अरे जब यहाँ पर तो मुर्शिद सामने बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह दिल ठर रहे हैं, आंखें ठर रही हैं, क्योंकि दीदार तो सामने हो रहे हैं, लेकिन फिर वो महफिल कैसी होगी भाई जिस महफिल के अंदर नबियों का सरदार बैठा होगा, जिस महफिल के अंदर नबियों का सरदार बैठा होगा वो महफिल कैसी होगी, जहां पर सोना अबू बकर सिद्दीक मौजूद हो, जहां पर सोना हजरत उमर फारूक मौजूद हो, जहां पर हजरत उस्मान गनी मौजूद हो, हजरत मौला अली पाक मौजूद हो, हजरत बिलाल पाक मौजूद हो, अबी हुरैरा जैसी शख्सियत मौजूद हो, वहां पर बड़े बड़े मेरे नबी के गुलाम बैठे हुए हों, ऐसा दरबार आपने दुनिया में नहीं देखा होगा जो मेरे नबी का दरबार लगा करता था। अब सुनो मेरे पाक नबी का दरबार लगा हुआ है, एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसके चेहरे पर दाढ़ी मुबारक सुफेद है। सुभान अल्लाह।
दाढ़ी मुबारक सफेद है, उम्र उसकी लागो तकरीबन कमोपेश 80 या 85 साल की है। मेरे पाक नबी के गुलामों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप इस अपने गुलाम से पूछें तो सही कि इसकी उम्र कितना है, इसकी उम्र कितना है। अब वो कहता है, आका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरी उम्र जो है 5 साल है। कितनी? मेरी उम्र, बात समझ लग रही है ना, मेरी बात ये दिल की तख्ती पर आज लिख कर जाना, मेरी उम्र कितना है? 5 साल। अब साफ दे रहा है, चेहरे पर सफेद दाढ़ी और कहता है मेरी उम्र 5 साल है। हजूर के गुलामों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह तेरे पर चेहरे पर ये सफेद दाढ़ी है लेकिन कहता है मेरी उम्र 5 साल है। हजूर फरमाते हैं, जो कुछ मैं नबी जानता हूं तुम नहीं जानते, जो कुछ मैं नबी जानता हूं तुम नहीं जानते। अब जब ये कहा, फिर हजूर के गुलामों ने कहा, आका इससे ये तो पूछे कि अल्लाह ने तुझे कितना बेटे दिए हैं, अल्लाह ने तुझे कितना बेटे दिए हैं। आज इस दरगाह पर आने वालों, आज मैं दिल की खराइयों से दुआ करता हूँ, जो बे औलाद आए हैं नबी की विलादत का सदका ना उनका औलाद अता फरमाए। हजीरत गिरामी जरा तवज्जो, जब ये पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया है, अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया है। अब गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तो इसको 5 बेटे दिए हैं, ये कहता है मुझे एक बेटा दिया है। हजूर ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामो, जो कुछ मैं नबी जानता हूँ तुम नहीं जानते, जो कुछ मैं नबी जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर हजूर के गुलामों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप अपने इस गुलाम से ये तो पूछें कि अल्लाह ने तुझे माल कितना दिया है, अल्लाह ने तुझे माल कितना दिया है। कहता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे 4 बकरियां दी हैं, अल्लाह ने मुझे 4 बकरियां दी हैं। अब गुलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो उसको बहुत माल दिया है, पर यह कहता है मुझे रब ने 4 बकरियां दी हैं, इसकी क्या वजह है। हजूर ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जो कुछ मैं नबी जानता हूं तुम नहीं जानते। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों, जब मेरे पाक नबी ने अपने गुलामों की ये बातें सुन ली, अब आओ जरा मेरे पाक नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, बार बार जो तुम पूछ रहे थे इसकी उम्र कितनी है, इसकी औलाद कितनी है, इसको रब ने माल कितना दिया है, चलो आओ आज तुम ये सुन लो, ताकि ये भी तुम अपने आंखों के सामने, कानों के साथ ये सुन लो, आंखों के साथ देख लो। मेरे पाक नबी ने उस गुलाम को आगे किया, मेरे पाक नबी ने फरमाया, ओ मेरा गुलाम, ये तो बता, ये पक्की बात है तेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 80-85 साल, तू कहता है मेरी उम्र जो है ये है तकरीबन 5 साल, लेकिन इसकी वजह क्या है। कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका बेशक मेरी उम्र 85 साल हो, बेशक मेरी उम्र 90 साल हो, लेकिन 5 साल मैंने इसलिए कहा, आका बाकी जो है 80 साल कुफर के अंदर गुजरी है, 5 साल हो चुके हैं आपकी गुलामी में गुजार रहा हूं, 5 साल हो चुके हैं आपकी गुलामी में गुजार रहा हूं। आका मेरी उम्र तो वो उम्र अच्छी है जो आपके ऊपर कुर्बान हो रही है। आओ जरा सुनो, मेरे पाक नबी ने फरमाया, चलो ठीक है, तूने कहा कि अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया, गुलाम कहते हैं रब ने तुझे 5 बेटे दिए, इसकी आखिर क्या वजह है। कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका बेशक रब ने मुझे बेटे 5 दिए हैं, लेकिन मेरा बेटा तो वो है जो आपका कलमा पढ़ता है, जो आपका कलमा पढ़ता है आपकी गुलामी में आ चुका है, 4 बेटे अभी तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, आपकी गुलामी में नहीं आए, इसलिए आका मेरा बेटा तो वो अच्छा जो आपका कलमा पढ़कर आपकी गुलामी कबूल कर चुका है। आओ जरा सुनो, मेरे पाक नबी के गुलामो, मेरे पाक नबी ने फरमाया, आए मेरा गुलाम, ये तो बता, तू कहता है कि मुझे रब ने 4 बकरियां दी है, लेकिन रब ने तो तुझे माल बहुत दिया है। कहता, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैंने इसलिए कहा है कि 4 बकरियां जो है मैं तुझे नबी पर कुर्बान करके बेटा हूं, 4 बकरियां जो मैं आप पर कुर्बान करके बेटा हूं, आका मेरा वो माल किस काम का है जो आप पर कुर्बान ना हो, और मेरा माल तो
वही है जो आप पर कुर्बान हो जाए। और मेरे मोहतरम, पता नहीं जिंदगी का हमारा हिस्सा पता नहीं किस गुफ्तगु में गुजरता होगा, फसूल महफिलों में गुजरता होगा, लेकिन आज की महफिल बड़ी खुश नसीब लोग हो, आज अजमतों वाली महफिल में आ चुके हो। आज एक एक वक्त, एक एक टाइम, एक एक मिनट आपका बड़ा कीमती है। आज वो टाइम आपका अच्छा है जो नबी सोने की मोहब्बत में आकर बैठे हो। तवज्जो है, आज हमारा वक्त वो अच्छा है ना जो हजूर की गुलामी में गुजरे। ये रातें फिर भी गुजर जाती हैं, सोने में गुजर जाएंगी, फजूल बातों में, महफिलों में इस तरह की गुजर जाती हैं, लेकिन बंदे की महफिल वो अच्छी है, जिंदगी का वो लम्हा अच्छा है जो हजूर की गुलामी में, हजूर की मोहब्बत में, हजूर के जिक्र में गुजरी हो। वो जिंदगी का हिस्सा कितना अच्छा है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हमने बात औकात ये नहीं देखना कि मेरे पाक नबी की जिंदगी आखिर गुजरी कैसे है, हजूर की जिंदगी कैसे गुजरी और हजूर के गुलामों ने जिंदगी कैसे गुजारी है। अजीजा ने गिरामी, यहां पर बस एक जुमला कहने के बाद मैं अपनी गुफ्तगू को समेटना हूं। अब तवज्जो फरमाए, मेरे पाक नबी का एक गुलाम है जिसका अंगूर का बाग लगा हुआ है, अंगूर का बाग लगा हुआ था। अब साफ़ज़रे जब मौसम का ताजा फल आता है ना, पहले पहले वो साफ़ज़रे इतना मीठा भी नहीं होता, इतना मीठा भी नहीं होता। जब वो अंगूर पहला फल था, उसने अंगूर तोड़कर मेरे पाक नबी की बारगाह में ले आया, हजूर की बारगाह में ले आया। और जब हजूर की बारगाह में ले आया, मेरे पाक नबी ने फरमाया, ऐ गुलाम इसको क्या करना है, आका कबूल फरमाए, ये तोहफा कबूल फरमाए। सोने पाक नबी के गुलाम भी बैठे हुए हैं। अब मेरे पाक नबी ने क्या किया, हजूर ने वो तोहफा कबूल फरमाया, मेरे पाक नबी खुद तनावुल फरमा रहे हैं। जब पहला अंगूर उठाया, हजूर ने अपने मुंह मुबारक में डाला और फिर जायका उसका देखा, हजूर ने दूसरे अंगूर भी खुद तनावुल फरमा रहे हैं। अब साफ जरा है भाई, जो कुछ मुरीद जो मुर्शिद के साथ इतना लाड कर सकते हैं, वो कभी कभी इस तरह की बातें भी पूछ सकते हैं। तो गुलामों ने आज के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये तो बताएं, पहले कोई जो तोहफा आता था गुलामों को भी देते थे, पहले जो तोहफा आता था गुलामों को भी देते थे, आज तो आप अकेले अकेले, आज तो गुलामों को आपने अंगूर तकसीम नहीं किए। मेरे पाक नबी ने फरमाया, ओ मेरे गुलामो, आए मेरे गुलामो, जब वो बंदा चला गया, जब वो देने वाला चला गया, आए मेरे गुलामो, मैंने इसलिए तुम्हें नहीं दिया, जब मैंने पहला अंगूर खाया उसमें खटास था, मिठास नहीं था, इसलिए अगर मैं तुम्हें देता, अगर तुम उसके सामने ये कह देते कि ये अंगूर ले आया है ये तो खट्टा है, इस तरह का अंगूर लेकर आया है, तो उसका दिल टूट जाता, उसका दिल टूट जाता। कहा इसलिए मेरे गुलामों, मैंने इसलिए खुद तनावल फरमाया है, मैंने ये अंगूर तुम्हें नहीं दिए, क्योंकि किसी का दिल दुखाना, किसी का दिल तोड़ना, वो अल्लाह का अर्श भी हिला देता है, अल्लाह का अर्श भी हिला देता है। मेरे मोहतरम, महफिल मिलादुन नबी में आने का मकसद ये होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कवालिया के अंदर भी ये हजूर का जिक्र गाते हैं, और माशाल्लाह इसमें आप कुछ ना कुछ अपने जहन में बिठा कर गया करें, ये बातें जरूर बिठाया करें, दिलों में बिठाया करें। दुनिया कायनात के अंदर सिर्फ हजूर की मोहब्बत है, अपने दिल में बिठा लो, इंशाअल्लाह कब्र में बाद में जाएंगे, दीदार मुस्तफा पहले हो जाएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम चंद कलिमात अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।